हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको टाइम की नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज इस वीडियो में जानेंगे UGC नेट नवंबर 2020 में कंप्यूटर नेटवर्क से और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड POP प्रोटोकॉल पे, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आज हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आगे बनता है तो आप और कैसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो भी जानेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको फ्री वीडियोस के अपडेट्स मिलें या फिर आप हमारे गेट नोटबुक के कंप्लीट कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, टारगेट एग्जाम और पर्पस ऑफ मैसेजिंग करके बताएं, टीम आपको जल्द से जल्द हेल्प करेगी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है POP प्रोटोकॉल। POP प्रोटोकॉल क्या होता है? तो एक तरीके का मैसेज असेस प्रोटोकॉल होता है विच इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मैसेज फॉर क्लाइंट। और इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि आउट ऑफ दिस 5 स्टेटमेंट्स कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? और आपको इस कोडिंग के हिसाब से आंसर देना है। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि हर एक स्टेटमेंट, हर एक ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ए जो है वो हर एक जगह पे करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं POP हैज़ 2 मोड्स, दैट इज़ डिलीट मोड एंड कीप मोड। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। POP के पास 2 मोड होता है, एक डिलीट होता है और कीप होता है। मैं इन सभी स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले आप सभी के साथ ये देख बताना चाहूँगी POP बेसिकली अपन यूज़ क्यों करते हैं, राइट? तो POP एक तरीके का ईमेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, राइट? जैसे कि इसका नाम ही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ईमेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज टू रिट्रीव ईमेल, राइट? ईमेल को अपन रिट्रीव कर सकते हैं कहाँ से? फ्रॉम एन ईमेल सर्वर, राइट? ये रहा आपके सामने एक ईमेल है, उसको ये रिट्रीव कर सकता है एक ईमेल सर्वर से, राइट? ये इसका एक काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशन, जैसा कि आपको यहाँ पर भी बताया हुआ है, एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, है ना? एग्जाम्पल हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती होंगी। POP का भी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? तो दैट इज़ POP 3, ठीक है? दिस इज़ द करंट वर्जन, ठीक है? मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आप POP सर्वर जो है मेल बॉक्स के सर्वर को सेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट? जितने भी ईमेल अकाउंट नेम है आप उन सभी को उसके अंदर आप देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि POP, ठीक है, एंड SMTP, ये दोनों के दोनों कैसे डिफरेंट एक दूसरे से, ठीक है? तो POP या फिर हम कह सकते हैं POP 3 जो इसका करंट वर्जन चल रहा है, ये ईमेल को डाउनलोड करने में हेल्प करता है, राइट? इट डाउनलोड्स द ईमेल फ्रॉम अ सर्वर टू अ सिंगल कंप्यूटर, डाउनलोडिंग का POP में चल रहा है, राइट? एंड देन डिलीट्स द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। तो वही कीप एंड डिलीट वाला जो फिनोमेनन है वो यहाँ से आपको लगता है, राइट? वहीं अगर हम एक्चुअली एक मिनट, SMTP नहीं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट IMAP, राइट? IMAP और POP के बीच में ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। तो IMAP क्या करता है, स्टोर करता है मैसेज को सर्वर पे और फिर सिंक्रोनाइज करता है उस मैसेज को अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइस। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चलती है, दैट इज़ रिगार्डिंग IMAP। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है, दैट इज़ स्टेटमेंट ए, वो तो हमें खुद ही ऑप्शन कहता है। अब हमें ये चेक करना है कि बी करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, राइट? इन डिलीट मोड मेल इज़ डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर ईच रिट्रीवल। डेफिनेटली जब रिट्रीवल हो जाता है, जैसे ये रिट्रीव करता है वैसे ही उस मेल को डिलीट किया जाता है। बिफोर करेगा तो क्या काम गड़बड़ नहीं हो जाएगा, फिर तो हमने उसको यूज़ ही नहीं किया। तो इसीलिए स्टेटमेंट सी रॉन्ग हो जाता है और स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाता है। और इससे ये पता चलता है कि आपका आंसर ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर आपका बी स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। लेट्स चेक ई, डायरेक्टली हम ई पे चलते हैं। इन कीप मोड मेल रिमेन्स इन मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। रिट्रीवल होने के बाद कीप मोड के अंदर मेल जो है वो मेल बॉक्स के अंदर ही होता है। तो कीप का मतलब ही तो रखना, तो डिलीट तो वो करेगा नहीं, है ना?
तो इसीलिए ई वाला करेक्ट हो जाता है और डी वाला रॉन्ग हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको पता है पीओपी के पास दो मोड होते हैं, डिलीट एंड कीप। डिलीट का काम क्या होता है, जैसे ही हमने मेल यूज कर लिया, रिट्रीव कर लिया, उसको मेल बॉक्स से डिलीट कर दिया जाता है। और कीप मोड में क्या होता है, जो भी मेल आपने यूज़ किया हो या ना किया हो, वो आफ्टर रिट्रीवल भी आपका मेल बॉक्स के अंदर ही रहता है। राइट, इतने पॉइंट्स क्लियर है, दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल। ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई और सारे वीडियोज उसमें लगातार आपको देखने को मिलेंगे। राइट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।